सो नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो दोस्तों हमारे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद है। दोस्तों हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है दोस्तों च्यवनप्राश। दोस्तों डाबर कंपनी का जो च्यवनप्राश आता है वो दोस्तों सबको पसंद होता है, ठीक है। तो आज हम जिस च्यवनप्राश के बारे में हम बात करने वाले हैं, हम क्या बताने वाले हैं कि उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स कुछ मतलब क्या, बहुत है ज़्यादा बेनिफिट्स है। मतलब हम बेनिफिट्स के बारे में अगर आपको बैठ के बताऊँ ना कैसे, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ बेनिफिट्स है, ठीक है। तो लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखना। तो हमारे चैनल में जो लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके पास में जो भी बेल आइकन है तो उसे प्रेस जरूर करना, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो मैं पहले बताता हूँ कि मैं कोई कंपनी का कोई भी मतलब क्या प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोग की तरह एक व्यूअर, मतलब आप लोग की तरह एक ग्राहक हूँ, जो कि मेरा फीडबैक आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवचंद्र और स्वागत करता हूँ आप सबको हमारे चैनल द मेडिकेयर में। दोस्तों आज हम च्यवनप्राश के बारे में बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीज जो कि आप सबको शायद पहली बार पता चले, और उसके साथ साथ च्यवनप्राश का कुछ बेनिफिट्स हम आपको बताने वाले हैं, और उसके साथ साथ ये बताने वाले हैं कि शायद कुछ लोग को पता होगा कि च्यवनप्राश खाने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखते रहिए और कुछ भी स्किप मत करिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉपर बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को यूज करते हो तो प्लीज़ एंड तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों अब हम च्यवनप्राश की जो बेनिफिट्स है वो हम बता रहे हैं कि च्यवनप्राश की मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होता है। वैसे तो बहुत है सारे, पर हम उसमें से कुछ बेनिफिट्स आपको बता रहे हैं कि क्या क्या होता है बेनिफिट्स। दोस्तों पहले बताते हैं कि वो आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में, ग्रोथ करने में वो मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे क्या होता है ना, आपको बॉडी आपको कभी वीकनेस ही नहीं होगा, कुछ भी मतलब कुछ कुछ भी अगर आपको आउटसाइड कुछ भी इन्फेक्शन वो वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा तो आपको बॉडी को भी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ क्या होता है ना, वो अगर आपको सर्दी या फिर कफ वगैरह वो सब लगा रहता है तो उसको कंट्रोल करने में उसका मदद करता है च्यवनप्राश। तो उससे क्या होता है ना, आपका जो पाचन शक्ति है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको भी वो बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके साथ साथ क्या होता है ना, च्यवनप्राश आपको वो क्या करता है ना, आपको जो मसल पावर होता है तो उसको बढ़ाने में भी च्यवनप्राश मदद करता है। तो उसके साथ साथ और क्या करता है ना, आपको जो किडनी में जो फंक्शन होता है, किडनी का फंक्शन को ग्रोथ करने में भी, कंट्रोल करने में भी च्यवनप्राश का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है। उसके साथ साथ क्या होता है ना, हार्मोन का जो भी पावर है ना, हार्मोन का पावर को कंट्रोल करने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है च्यवनप्राश। दोस्तों उसके साथ साथ क्या होता है ना, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों च्यवनप्राश खाने से क्या होता है ना, दोस्तों च्यवनप्राश खाने से आपको जो भी मतलब नींद लगने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, और नींद लगने से कारण आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। दोस्तों च्यवनप्राश खाने से क्या होता है ना, आपका जो तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, वो सब भी दूर हो जाता है। तो च्यवनप्राश का बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों जो लोग बिना काम के हमेशा मतलब कमज़ोर दिखते हैं, कमज़ोर रहते हैं, हमेशा वीकनेस लगा रहता है, तो उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना चाहिए रोजाना। उसके साथ क्या होता है ना, आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपको बॉडी में ताकत आ जाता है, एनर्जी मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है आप लोगों की बॉडी को। दोस्तों जो लोग स्किन प्रॉब्लम है, जिन लोगों को मतलब कि अगर आपके फेस में पिंपल्स आता है, तो उससे क्या होता है ना, अगर आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ क्या होता है, पिंपल्स तो चला जाता है, और उसके साथ साथ ये आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा साफ रखता है, और उसके साथ साथ त्वचा थोड़ा सा जवान दिखता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। दोस्तों अगर आपको कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारी रहता है, तो क्या करता है ना, च्यवनप्राश आपको उससे ठीक करने का भी मदद करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। दोस्तों अब मैं आप लोग का इसका साइड इफेक्ट बता रहा हूँ कि कैसा है। दोस्तों इसका कुछ साइड इफेक्ट तो वैसे है नहीं, पर मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि अब अगर आप इसको प्रॉपरली यूज नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज करते हो तो आपका पेट शायद खराब हो सकता है।
दोस्तों अब हम बता दें कि च्यवनप्राश का मतलब कैसे खाया जाता है, खाना मतलब खाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डोजेस तो आपको लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, हर कोई मतलब बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है डोजेस आपको, कि डोजेस क्या है कि अगर आप अडल्ट हो तो 1 टेबल स्पून आप खा सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस डेली, मतलब दिन में 2 बार आप खा सकते हो अगर आप अडल्ट हो तो। अगर आप चाइल्ड हो तो 1/2 टेबल स्पून दिन में 2 बार खा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डोजेस हुआ। तो इसको खाने का सही तरीका क्या होता है, इसको खाने का सही तरीका ये होता है कि इसको आप मिल्क के साथ, अगर आप दूध के साथ खाते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा गर्म दूध के साथ अगर आपको खाते हो, इसको खाते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। दोस्तों वैसे तो च्यवनप्राश को आप सीधे भी खा सकते हो, पर अगर आप दूध से मिला के खाते हो थोड़ा सा गर्म दूध में, तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखाता है। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको डायबिटिक है, ठीक है, अगर आपको डायबिटिक है तो आप च्यवनप्राश इस्तेमाल करने से पहले आपको आपकी डॉक्टर डॉक्टर की परामर्श जरूर लेना चाहिए। दोस्तों और एक बात यह है कि डावर मतलब डावर का च्यवनप्राश जो कि है उसका शुगर फ्री भी आता है, शुगर फ्री में भी आता है। तो जो लोगों को डायबिटिक है तो वो लोग वो शुगर फ्री च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये थे च्यवनप्राश बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो आप लोग को कैसा लगा था हमें कमेंट करके जरूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।